बैतूल में सोना घाटी में रहने वाले कुछ भारतीय महिलाओं पर ट्रेनों में किन्नर बनकर यात्रियों से वसूली करने का आरोप है। किन्नरों ने आज इस मामले की बैतूल कोतवाली पहुंचकर भारतीय महिलाओं की शिकायत की। इस दौरान भारतीय और किन्नरों ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। बैतूल में किन्नर गुरु शोभा का आरोप है कि भारतीय महिलाएं किन्नर का वेश धारण कर ट्रेनों में वसूली लूटपाट कर रहे हैं, जिससे किन्नर समाज का नाम बदनाम हो रहा है। उन्होंने भारतीय महिला राधा गल्लू पवन पर यात्री गाड़ी में रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। शोभा गुरु ने कहा कि वे लोग किन्नर होकर समाज में महोत्सव पर आने जाने एवं प्रथा अनुसार रेल बस स्टैंड पर यात्रियों से उनकी इच्छा अनुसार रुपयों की मांग कर अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन आरोपी जो कि किन्नर नहीं है, जाति से पारधी हैं, उनके द्वारा अपने आप को किन्नर बनकर रेल बस अड्डों पर अवैध रुपये की वसूली की जा रही है। करीबन 8-10 किन्नर समाज की महिलाएं यहाँ पे थाने पे आज अभी आई हैं। उनका कहना है कि साहब, ये पारधी लोग जो ट्रेनों में कुछ बेचते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो कुछ किन्नर का रोल करते हुए और वसूली कर रहे हैं यात्रियों से। इस संबंध में इनके द्वारा आज शिकायत आवेदन थाने पे दिया गया है। और जो अपने यहाँ के जो पारधी लोग हैं, यहाँ के सोना घाटी के पारधी प्लस यहाँ लोकल के जो पारधी हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं ट्रेन में जाके और किन्नर का रोल करते हुए अवैध रूप से पैसे मांग रहे हैं। इसके आवेदन दिया, आवेदन लेके और हम इसमें जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे।